दोस्तों अमूमी तौर पर झूले इंसानों की अम्यूजमेंट के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कई दफा झूले इतने खतरनाक हो सकते हैं कि आप लोग उन झूलों को देखकर ही चकरा जाते हैं। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि आपके गिरदनवाह में कोई भी पार्क हो, वहाँ पर अम्यूजमेंट झूले लाजमी तौर पर मौजूद होते हैं। और कुछ लोग तो आपने ऐसे भी देखे होंगे जो कि बड़ी तेजी के साथ इन झूलों के अंदर बैठने की ख्वाहिश तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद आप उन्हें उल्टियाँ करते हुए भी देखते हैं। दोस्तों आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको ऐसे 10 झूलों के बारे में बताएंगे जिन झूलों पर बैठना सिर्फ उन्हीं लोगों का काम है जिनका बड़ा दिल और बड़ा जिगर हो। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि इन झूलों में से आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा आया। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्गन फ्यूरी की। दोस्तों टेम्पा एम्यूजमेंट पार्क यानी अमेरिका के अंदर मौजूद ये झूला एक ऐसा जबरदस्त किस्म का फ्री फॉल ड्रॉप टावर है जिसके अंदर सबसे पहले तो इसमें बैठने वाले तमाम लोगों को अच्छे से बांध कर यानी कि उनको सेफ्टी बेल्ट्स पहनाकर 102 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है और वहां से तकरीबन उन्हें 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है। दोस्तों इन तमाम लोगों के मुंह बिल्कुल जमीन की तरफ होते हैं, यानी कि झूले को इंटरनल साइड की तरफ जो है वो लगा दिया जाता है और आपका मुंह बिल्कुल जमीन की जानिब होता है। और जैसे ही इस झूले को रिलीज करते हैं तो इंसान को यूं लगता है गोया वो जमीन की तरफ गिरने वाला है और वो बिल्कुल मौत का एक्सपीरियंस करता है। क्या आप इसमें बैठना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अक्सर औकात आपने छोटे छोटे जहाजों को उड़ाने वाले पायलट्स को देखा ही होगा और आपका भी दिल करता होगा कि आप भी अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी की तरह इन प्लेन्स को उड़ा सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपको इन प्लेन्स के ऊपर खड़ा कर दिया जाए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों अमेरिका के अंदर एक ऐसा स्पोर्ट पिछले कुछ अरसे में टेक्सास स्टेट के अंदर जो है वो मुतारिफ करवाया गया है, जिसके अंदर इंसानों को एक प्लेन के ऊपर बाकायदा उड़ने वाले प्लेन के ऊपर मजबूत सेफ्टी बेल्ट्स के साथ बांधकर खड़ा कर दिया जाता है और उसे प्लेन को चलाने के बाद हवा में उड़ता हुआ इंसान जो है उसकी मानिंद देखा जा सकता है। यानी आप प्लेन के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं और प्लेन हवा में उड़ रहा है और आपको यूं महसूस हो रहा है कि आप एक ऐसी चीज के ऊपर खड़े हैं जो कि हवाओं में उड़ती हुई आपको भी हवा में उड़ने का तजुर्बा करवा रही है। दिखने में कि जितना आसान लगता है हकीकत में उतना ही मुश्किल है। है तो ये मुकम्मल सेफ, लेकिन लोग इस पर चढ़ते हुए एक दफा पागल जरूर हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे जिप लाइन साइकिलिंग की। इंडोनेशिया के अंदर दो पहाड़ों के दरमियान एक लंबी और मजबूत रस्सी लगाई गई है। दोस्तों इस रस्सी के ऊपर तीन तहें और मौजूद हैं जिनके दरमियान में कुछ साइकिल सवारों को साइकिलिंग करते हुए देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये हरगिज मत समझिएगा कि ये किसी सर्कस का कोई स्टंट है, ये हकीकत में आम पब्लिक के लिए ओपन एक एम्यूजमेंट राइड है जिसके अंदर आप पे करके इस साइकिल के ऊपर बैठते हैं और इन दो पहाड़ों के दरमियान मौजूद खाई को पार करते हैं। दोस्तों सेफ्टी बेल्ट के होने के बावजूद मुतादित लोग ऐसे हैं जो कि इस ड्राइव को करते हुए उल्टियां करते हुए वापस आते हैं। आप इस पर बैठना चाहेंगे या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वोल्केनो सर्फिंग। दोस्तों निकारागुआ एक ऐसी जगह है जहाँ पर वोल्केनिक माउंटेन्स यानी आतिशफिशां पहाड़ मौजूद है। आप लोगों ने अक्सर औकात ये तो सुना होगा कि लोग समुद्री लहरों के ऊपर सर्फिंग करते हैं, लेकिन आपने कभी वोल्केनिक पहाड़ों के ऊपर किसी को सर्फिंग करते देखा है? अगर नहीं तो इस वीडियो को देखिए। दोस्तों यहाँ पर जाने वाले लोग अपने साथ एक कस्टम सर्फिंग बोर्ड लेकर जाते हैं जिसको तकरीबन 2000 मीटर की बुलंदी से नीचे की जानिब धकेल दिया जाता है। लोग इसके बिल्कुल ऊपर मौजूद होते हैं और इस स्पोर्ट की सबसे अजीब बात यह है कि एक दफा जब ये चालू हो जाए तो इसको रोकना किसी सूरत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तभी एंड होता है जब ये बिल्कुल एंड पर आ जाए। दोस्तों इस स्पोर्ट में शामिल होने वाले लोगों को सबसे पहले तो एक फॉर्म साइन करना होता है जिसमें वो लोग अपनी मंशा के मुताबिक इस स्पोर्ट में हिस्सा लेते हैं। यानी अगर किसी बंदे का रास्ते में बैलेंस खराब हो गया तो 100 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से तेज नीचे आते हुए उस शख्स को कलाबाजियां खानी पड़ती हैं और कई दफा तो शदीद किस्म की चोटें लग जाती हैं जो कि जिंदगी भर उनके साथ रहती हैं। लिहाजा इस स्पोर्ट को करना बहुत ही अजंबे का काम है और जो भी शख्स यहाँ जाता है पहले वो अच्छे तरीके से अपने गुनाहों की माफी मांग कर जाए। ऑस्ट्रिया ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत नज़ारों का इलाका है। दोस्तों ऑस्ट्रिया के अंदर बहुत सारी पहाड़ियाँ ऐसी हैं जिन पर चढ़ना आम पब्लिक के लिए तो क्या
बहुत ही माहिर और पेशावराना माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों इन माउंटेन्स के ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं होता, लिहाजा यहाँ पर बहुत से लोग स्पोर्ट की नियत से जब आते हैं तो दो पहाड़ों के दरमियान एक केबल की सीढ़ियां यानी जिन्हें केबल स्टेयर्स कहा जाता है वो बनाई गई हैं। दोस्तों ये दो पहाड़ों के दरमियान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए केबल की सीढ़ियों के ऊपर चलकर आपको जाना होता है, जो कि सतह जमीन से तकरीबन 2000 फीट ऊपर मौजूद होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन्हें हंसी खुशी क्रॉस कर जाते हैं म्यूजिक सुनते हुए, लेकिन अगर आपकी निगाह नीचे की जानिब गई तो समझे आप भी गए, क्योंकि आपको फौरी तौर पर चक्कर आ जाएगा और चक्कर आने पर बहुत से लोग नीचे गिर जाते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सेफ्टी बेल्ट के साथ बांध दिया जाता है ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी की आंखें गोल गोल घूमने लगे और उसको चक्कर आए तब भी उसको कोई जानी नुकसान ना पहुंच सके। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे डेनमार्क थीम पार्क की। यहाँ पर 130 फीट ऊंचाई पर एक ऐसा पोल बनाया गया है जिसके ऊपर आपको लिफ्ट की मदद से ले जाया जाता है, लेकिन उस पोल पर ले जाने के बाद आपको इस 130 फीट की ऊंचाई पर एक रस्सी की मदद से लटका दिया जाता है। ये एक रिलीजेबल रस्सी होती है जिसको एक बटन से रिलीज किया जा सकता है, यानी जैसे ही इस पर लटके हुए शख्स के सामने मौजूद बटन को दबाया जाता है वो बंदा बगैर किसी भी सपोर्ट के और किसी भी हिफाजती बेल्ट के 130 फीट नीचे मौजूद एक बहुत बड़े और मजबूत नेट के अंदर आकर गिरता है। दोस्तों यहाँ पर गिरते ही वो बंदा उठकर नीचे आ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल मौत के नजदीक तरीन आपको एक एक्सपीरियंस करवा देता है कि आप अगर जहाज से नीचे गिरे तो आपको कैसा फील होगा जब आपके साथ किसी किस्म की कोई सेफ्टी बेल्ट भी मौजूद नहीं है। इसके ऊपर जाने से पहले भी आपको एक एफिडेविट साइन करना पड़ता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को चोट लगी तो यहाँ के अम्यूजमेंट पार्क के लोगों को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दोस्तों चाइना ब्रिजेस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जाने और माने जाते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर ग्लास ब्रिज से लेकर गैप ब्रिज तक ऐसे बेतहाशा पुल बनाए गए हैं जिनके ऊपर चलना किसी ऐसे शख्स का ही काम है जो कि बड़ा जिगर और कलेजा रखता हो। दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा पुल बनाया गया है जो है तो बहुत ज्यादा सेफ, लेकिन इस पुल के ऊपर चलते हुए लोगों को डर लगता है कि शायद अभी शीशा टूट जाएगा और वो नीचे आ गिरेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से डर डर कर इस पुल के ऊपर से क्रॉसिंग कर रहे हैं। यहाँ पर चोंकिंग नाम का एक ए शेप्ड ब्रिज है जिसके ऊपर चलने वाले लोगों को सिर्फ खाई ही नजर आती है, क्योंकि ये ए शेप ब्रिज सिर्फ एक साइड से जमीन के साथ जुड़ा हुआ है जबकि दूसरी साइड से ये बिल्कुल ओपन है, यानी कि इसके नीचे कोई पिलर मौजूद नहीं है। कई लोगों को ये खौफ आता है कि अगर सेकंड साइड यानी जहां से ये बंधा हुआ है वहां से अगर थोड़ी सी भी जमीन हिली या फिर इसके पेज ढीले हो गए तो ये तमाम के तमाम लोग नीचे जा गिरेंगे, इसीलिए यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं और एडवेंचर के शौकीन लोग तो यहाँ पर अक्सर ही पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा ब्रिज भी मौजूद है जिसके ऊपर दरमियान में छोटे छोटे गैप्स डालकर ऐसी ऐसी स्लिट्स लगाई जाती हैं जिनके ऊपर से लोग गुजरते हैं। माजी के अंदर एक ऐसी वीडियो देखी गई जिसमें एक शख्स इनके ऊपर से गुजर रहा था लेकिन उसकी सेफ्टी हार्नेस खुल गई थी। ये वजह बनी इस पार्क के और इस सारे एम्यूजमेंट झूले को तकरीबन एक साल के लिए बंद करने की, क्योंकि जब इसकी वीडियो वायरल हुई तो हुकूमत ने फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया कि अगर ये शख्स जो है ये कामयाबी के साथ दूसरी साइड पर ना जाता तो ये नीचे गिरकर मर भी सकता था। फिरारी वर्ल्ड, दोस्तों दुबई के अंदर मौजूद एम्यूजमेंट पार्क के अंदर एक ऐसे मल्टीपल राइड्स बनाई गई हैं जो कि दुनिया के तेज तरीन फॉर्मूला रोज रेवल रोलर कोस्टर कहलाती हैं। दोस्तों इसके ऊपर मौजूद रोलर कोस्टर राइड तकरीबन 5 सेकंड में 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेजी के साथ मूव करना शुरू करती है। इसमें सबसे पहले तो फॉर्मूला 1 के रेसिंग ड्राइवर्स को बिठाया गया, लेकिन उसके बाद आम पब्लिक के लिए भी इसको ओपन कर दिया गया है। दोस्तों इसके अंदर देखा जा सकता है कि जो भी शख्स बैठे उसके मुंह से लेकर उसकी टांगों तक सारे का सारा गोश्त हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। पैराग्लाइडिंग, दोस्तों आपने परिंदों के साथ उड़ने के बारे में बहुत दफा इमेजिन तो किया ही होगा। अगर आपने ऐसा सोचा है तो अमेरिका के अंदर टेम्पा स्टेट के अंदर पैराग्लाइडिंग का बाकायदा एक शोभा है जिसमें आप खुद को रजिस्टर करवा कर इन परिंदों के साथ हवा के अंदर उड़ सकते हैं। जमीन से काफी ऊंचाई पर नीचे जमीन की जानिब देखते हुए आपको एक अलग सा मजा आता है, क्योंकि ये सारे का सारा पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट ओपन है, यानी आप चारों जानेब ऊपर नीचे 6 डायमेंशंस किसी भी जानेब देख सकते हैं। और यहाँ पर जाने वाले लोग कुदरत का करीब तरीन एक्सपीरियंस लेकर वापस आते हैं, क्योंकि वो परिंदों के साथ उड़ रहे होते हैं और इसके तमाम कंट्रोल्स इसको उड़ाने वाले पायलट के हाथ में होते हैं, जिसको तकरीबन 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद हवा में उड़ने की इजाजत दी जाती है।
दोस्तों 360 डिग्री रोलर कोस्टर लंदन में बनाए जाने वाली एक नई राइड है, जिसके अंदर आपको किसी छोटी सी राइड के ऊपर बिठाकर नहीं बल्कि एक गाड़ी के अंदर बिठाकर 360 लूप के अंदर घुमाया जाएगा। दोस्तों अभी तक इसकी 2-3 ट्राइज हो चुकी हैं, लेकिन इसे आम पब्लिक के लिए अभी नहीं खोला गया। इसको बहुत जल्द आम पब्लिक के लिए भी खोला जाएगा और अभी तक इसके अंदर सिर्फ वही लोग बैठे हैं जो कि प्रॉपर प्रोफेशनल्स हैं। दोस्तों इसके अंदर बैठने वाले लोगों को मूवीज के अंदर होने वाले स्टंट्स के करीब तरीन एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो आप इनमें से कौन सी राइड को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी राय का इंतजार रहेगा।